हेलो एवरीवन वेलकम टू ग्लोबल अकेडमी यह हमारी वीडियो इंग्लिश ग्रामर बेसिक इंग्लिश ग्रामर पार्ट टू है इससे पहले हमने जो पार्ट वन है उसमें हमने काफ़ी बेसिक्स थिंग्स डिस्कस की थी जैसे अल्फाबेट लेटर वर्ड सेंटेंस हमने डिस्कस किया उसके अलावा उसमें आ, वीडियो में हमने आपको बताया था और दी से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन रहता है आम लोगों में वो मैंने डिस्कस किया तो इस सेंटेंस के अंदर हम डिस्कस uh, करेंगे सेंटेंस सेंटेंस तक हम पहुँचे हैं तो सेंटेंस से रिलेटेड uh, हम तमाम टाइप्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है उसके बाद हम इसकी तमाम टाइप्स भी डिस्कस करेंगे सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस होता क्या है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे ए कम्प्लीट मैसेज इज कॉल्ड सेंटेंस एक वर्ड्स का ग्रुप जिसके अंदर कंप्लीट मैसेज हो उसको हम सेंटेंस कहते हैं कंप्लीट मैसेज का क्या मीनिंग है वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल ये इस सेंटेंस के अंदर एक कंप्लीट मैसेज है जो हमें कंप्लीट मैसेज कन्वे कर रहा है पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है इज़ गोइंग टू वो स्कूल जा रहा है इस सेंटेंस की हमें पूरी समझ में समझ आ रही है कि सेंटेंस के अंदर क्या बताया जा रहा है इट कन्वेज ए कम्प्लीट मैसेज दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं माई कार ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है जो कोई भी मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहा है मेरी कार इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है तो इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं स्कूल इज गोइंग टू ही तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन इसकी इनमें सेंटेंस की प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स नहीं है और ये पूरा कंप्लीट मैसेज भी कन्वे नहीं कर पा रहा है इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते हैं तो सेंटेंस वो होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वे ए कंप्लीट मैसेज जो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सके उसको हम सेंटेंस कहते हैं तो ये थी सेंटेंस की डेफिनेशन अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू Sen, uh, तो पर्पज़ uh, के हिसाब से इसकी कुछ टाइप्स हैं और कुछ सेंटेंस के अकॉर्डिंग uh, इसकी टाइप्स हैं इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू परपज़ देखेंगे तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सिंटेक्स uh, के अकॉर्डिंग देखेंगे इसकी कितनी टाइप्स हैं जिसमें हम सिंपल कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे उसके अलावा सब्जेक्ट प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस तो देखते हैं ये कितनी टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू पर्पस देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जैसे एसरेटिव एंड डिक्लेरेटिव इंटरोगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑप्टिव सेंटेंसेस तो ये हैं इसकी फाइव टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस ये फाइव टाइप्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले देखते हैं एसरटिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस एसरेटिव डिग्रेटिव सेंटेंस क्या होता है ऐसी आ, ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर स्टेटमेंट हो ओपिनियंस हो या इंफॉर्मेशन हो स्टेटमेंट जैसे कोई भी स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ या आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो जैसे सनराइज इन द ईस्ट ये एक स्टेटमेंट है या कोई ओपिनियन हो जैसे ही इज़ ए गुड बॉय ये एक ओपिनियन है या कोई इंफॉर्मेशन है ही इज़ रीडिंग ए बुक आई एम प्लेइंग ए मैच ये एक इंफॉर्मेशन है तो कोई भी स्टेटमेंट कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट हो कोई ओपिनियन हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो उसको हम एक्सरेटिव या डिकलेटिव सेंटेंस कहते हैं और ऐसे सेंटेंसेस हमेशा फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं इसके हम और आगे एग्जांपल्स देखेंगे सबसे पहले देखते हैं कि इसकी दो टाइप्स है पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव क्या, क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है नेगेटिव वो सेंटेंसेस जिसके दरम्यान नाट का इस्तेमाल हो जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो वो हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस और जिसके अंदर नाट ना हो वो हो गए पॉजिटिव सेंटेंसेस अब हम इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एग्जांपल्स देख लेते हैं उसके बाद आपका कन्फ्यूजन इसमें दूर हो जाएगा एसरेटिव और डिक्लेरेटिव से रिलेटेड जैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस आई एम गोइंग टू स्कूल तो ये एक इंफॉर्मेशन है आई एम रीडिंग ए बुक ये एक इन्फॉर्मेशन है सनराइज़ इन द ईस्ट तो सॉरी ये जैसे आई आई गो टू स्कूल ये एक इंफॉर्मेशन है आई एम रीडिंग ए बुक ये एक इन्फॉर्मेशन है सनराइज इन द ईस्ट ये एक स्टेटमेंट है उसके अलावा ही है संगे सांग ये एक इंफॉर्मेशन है उसके अलावा ही इज़ ए गुड बॉय ये एक ओपिनियन है तो इस टाइप के तमाम सेंटेंसेस इनको हम एसर्ट या डिकलेट कहते हैं और ये तमाम पॉजिटिव सेंटेंसेस है इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में देख लीजिए आई डू नॉट गो टू स्कूल ये एक इंफॉर्मेशन है आई एम नॉट रीडिंग ए बुक ये तो नेगेटिव भी है और इंफॉर्मेशन uh, है इसके अंदर सन डू नॉट राइज इन द ईस्ट एक स्टेटमेंट ही इज नॉट संग एसंग ही इज नॉट ए गुड बॉय ये एक ओपिनियन है तो इस तरीके के तमाम सेंटेंसेस जिनके लास्ट पे फुल स्टॉप हो इनको हम एसरेटिव या सेंटेंसेस कहते हैं नेक्स्ट अब इसकी टाइप देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ऐसे सेंटेंस दैट आस्क से क्वेश्चन ऐसे सेंटेंस के अंदर जो हमें एक सवाल पूछते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन पुट अप करते हैं ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस और ये हमेशा एंड होते हैं विद ए क्वेश्चन मार्क जैसे डू यू गो टू स्कूल क्या तुम स्कूल जा रहे हो एम आई रीडिंग ए बुक वट इज योर नेम हाउ आर यू वेन आर यू गोइंग टू डेली तो ये तमाम जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ऐसे तमाम सेंटेंसेज जिनके अंदर क्वेश्चन पूछा गया हो उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसिस कहते हैं और देवेज एंड विद ए क्वेश्चन मार्क तो इनको हम इंटरगेटिव सेंटेंस कहते हैं नेक्स्ट टाइप है इसकी इंपरेटिव सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है आ, वो सेंटेंसेस जो जिसके अंदर कमांड हो ऑर्डर हो सजेशंस हो वार्निंग हो या रिक्वेस्ट हो जैसे ओपन द डोर ये एक ऑर्डर है या कमांड है नेयर फॉरगे द पर्सन हु हेल्प्स यू ऐसे लोगों को मत बोलो जो तुम्हारी हेल्प करते हैं इसके अंदर एक सजेशन है नेवर टच माई मोबाइल तो इसके अंदर एक वार्निंग है मेरे मोबाइल को टच मत करो या प्लीज ओपन द डोर तो ये एक रिक्वेस्ट है ये तमाम सेंटेंसेस इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस है जिनके अंदर कमांड और सजेशन हो वार्निंग हो, हो या रिक्वेस्ट हो इनको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं वो सेंटेंस जिसके अंदर एक्सप्रेस स्ट्रांग इमोशंस या फीलिंग्स जिनके अंदर हों जिनके अंदर स्ट्रांग इमोशंस हो स्ट्रांग फीलिंग्स हो उनको हम बोलते हैं एक्सक्मेटरी सेंटेंस एंड दे ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्मेटरी मार्क जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल बताता हूँ वाव वटे कार तो इसके अंदर एक फीलिंग बताई गई है वाव एक हैरानगी जाहिर की गई है तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या ओह दिस इज नॉट ए गुड एलास ही इज़ नो मोर फुर्रा वी वन द मैच तो इस टाइप के तमाम सेंटेंसेस जिनके अंदर फीलिंग्स हों या इमोशंस हों ऐसे तमाम सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्सप्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट टाइप है इसकी ऑप्टिव सेंटेंसेस। ऑप्टिव सेंटेंस क्या होता है ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर विश हो प्रेयर हो या कर्स हो यानी ख्वाहिश जाहिर की गई हो या किसी के लिए दुआ दी गई हो या किसी के लिए बद की गई हो ऐसे तमाम सेंटेंसेस को हम बोलते हैं ऑप्टिव सेंटेंसेस। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जैसे विश यू ए गुड डे मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा दिन शुभ रहे तुम्हारा दिन अच्छा हो तो इसमें ख्वाहिश जाहिर की गई है मे गॉड ब्लेस यू ये एक दुआ है अल्लाह तुम्हें सलामत रखे या गॉड तुम्हें सलामत रखे मे यू लिव लॉन्ग ऊपर वाला तुम्हें लंबी उम्र दे तो इसके अंदर एक दुआ की गई है या लास्ट सेंटेंस है गो टू हेल्थ तो इसमें कर्स है ये एक गाली है तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिसके अंदर विश हो प्रेयर हो या कर्स हो तो उन तमाम सेंटेंसेस को हम बोलते हैं ऑप्टु सेंटेंसेस। तो ये थे पांच टाइप के सेंटेंसेस, फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देअर पर्पज तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसिज अकॉर्डिंग टू देयर सेंटेक्स जिसमें सिंपल कंप्लेक्स और कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे उसके अलावा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम डिस्कस करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है अगली भी वो भी आप देखते रहे लेकिन ये वीडियो देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमने पहली वीडियो है वो देख लीजिए फिर ये देख लीजिए इसलिए आपको जो है ये तमाम वीडियो सीरीज में देखनी है ताकि हम जो है बेसिक से एडवांस की तरफ चलते रहें और आपकी जो इंग्लिश है वो स्ट्रांग होती रहे मैं पूरी आपको गारंटी देता हूँ अगर आप ये तमाम वीडियोस देखोगे तो एट द एंड आप खुद महसूस करोगे कि आपके अंदर कितनी चेंजिंग है आप जो है इंग्लिश बोल पा रहे हो लिख पा रहे हो विदाउट एनी हेजिटेशन तो लास्ट में हम फिर दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं जो हमने इस वीडियो में पढ़ा है तो इसमें हमने फाइव टाइप्स के सेंटेंसेज पढ़े जिसमें पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें स्टेटमेंट या ओपिनियंस Uh, की बात होती है इंटेगेटिव सेंटेंस जहाँ क्वेश्चन वगैरह पूछे गए हों या इंपेरेटिव सेंटेंस जिसके अंदर कमांड uh, हो ऑर्डर हो रिक्वेस्ट हो या देन फोर्थ टाइप एक्सलमेटिव सेंटेंसेस जिसके अंदर एक्सलेमेशन हो जिसमें फीलिंग्स या इमोशंस बयान की जाएं ऐसे सेंटेंसेस को एक्सलमेटिव सेंटेंसेस कहते हैं और लास्ट हो गया ऑप्टिव सेंटेंसेस जिसके अंदर विश हो प्रेयर हो या कर्स हो तो ये तमाम टाइप्स थी सेंटेंसेस की अकॉर्डिंग टू दियर पर्पज़ मुझे उम्मीद आपको पूरी समझ आ गई होगी जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके यूट्यूब चैनल के फर्स्ट पेज पर आपको मिल सके इस सीरीज़ जो हमारा ग्लोबल एकेडमी है इसमें हम इंग्लिश सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं की हुई है उसके अलावा हम डेली करंट अफेयर्स भी हम इसमें अपलोड करते हैं उसके अलावा जितने भी कंपटिव एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड हम वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते रहते हैं तो ये हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें अपलोड करते रहते हैं स्टूडेंट एजुकेशनल वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ओके थैंक्स बेस्ट ऑफ लक गॉड ब्लेस यू ऑल